शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। इंसाफ मांगूंगी वरना मैं उनकी जान ले लूं। प्रिया, डैडी, मुझसे आपकी ये हालत नहीं देखी जाती, मैं जरूर जाऊंगी। ये आंसू भी अजीब चीज है गौतम, गम और खुशी दोनों में इंसान का साथ देते हैं। इसाक मुसाक खांसी और खुसक छुपाए नहीं छुपता, भनक बाबा के कानों में पड़ चुकी है। अगर मेरा बस चले तो मैं हिंदुस्तान की हर माँ को इस बात पर मजबूर कर दूं कि सबसे पहले वो अपनी औलाद को नेशनल कैरेक्टर समझाए, अपने देश पर कुर्बान होना सिखाए और उसके बाद अपने आप को हिंदुस्तानी कहे। '61 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जंगली में सायरा बानू को कश्मीर की कली बनकर शमी कपूर को टीज करते हुए देखा तो न सिर्फ ऑडियंस बल्कि फिल्म मेकर्स भी हिप्नोटाइज हो गए और उन्हें ब्यूटी क्वीन का टाइटल दे दिया। उन्होंने मिस वर्ल्ड तो दूर, कभी मिस इंडिया का भी ताज नहीं पहना, लेकिन अपनी फिल्मों में वो जितनी गॉर्जियस नजर आईं, उसके सामने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने वाली लड़कियां भी फीकी पड़ गईं। अपने टाइम की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक सायरा बानू ने अपनी क्यूट स्माइल और दिलकश अंदाज से बॉलीवुड स्क्रीन को हमेशा सजाए रखा। हुस्न परी चेहरा क्यों इतनी दर्द मंद हो, दुनिया की मंजिलों पर तुम ही मुझे पसंद हो, पसंद हो, पसंद हो। देखिए अपनी अपनी शेखी छोड़, अगर कबाब में हड्डी आया तो कुमार साहब और हम पिकनिक पर जाएंगे और बाकी के अरेंजमेंट्स आप कीजिएगा, और अगर ब्लफ मास्टर आया तो अशोक साहब और हम पिकनिक पर जाएंगे और लड़कियों के साथ साथ आप आ जाइएगा। गुड आइडिया। अब पता चलेगा जब हथकड़ियाँ पड़ेंगी। हथकड़ियाँ क्यों? एक सीधे साधे आदमी को तंग करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? पहाड़ी से कूद पड़ो दोनों बाप और बेटी। बेटी? हाँ, जिसकी जबरदस्ती शादी करना चाहते हो संजय के साथ, लेकिन अब हिंदुस्तान आजाद हो गया है, समझे? वो तो मैं जानता हूँ, मगर कौन सी शादी, कौन सी बेटी? तुम्हारी बेटी। अजी मैं तो 100% कुंवारा हूँ, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। भगवान कसम। तुम कौन होते हो मेरी किस्मत का फैसला करने वाली? अगर तुम मजबूर हो तो मैं भी मजबूर हूँ, लेकिन मैं अपने जज्बात का खून इस तरह नहीं कर सकती। मैं शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। सायरा के इस सौंदर्य में चार चांद लगाने का काम किया उनकी मदर नसीम बानू ने, जो खुद 1940s की पॉपुलर लीड एक्ट्रेस थी, और सायरा से पहले उन्हें हिंदी सिनेमा की ब्यूटी क्वीन और परी चेहरा जैसे खिताब मिल चुके थे। बिल्कुल अपनी माँ की तरह है ना शंकरलाल? वही नाक नक्शा, उसकी तरह अच्छी रसोई भी बनाती है या आजकल की छोरियों की तरह लाली पाउडर में ही डिग्री ली है? बनाती है माँ जी, बनाती है। तो जा मेरे लिए एक पैनी चाय बनाना। नसीम अपनी बेटी सायरा के कॉस्ट्यूम्स खुद डिजाइन करती थी, क्योंकि उस दौर में आज के जैसा कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का ट्रेंड नहीं था, और एक्ट्रेस रह चुकी नसीम बानू अच्छी तरह जानती थी कि अगर सीन के मूड को देखकर कॉस्ट्यूम का कलर और डिजाइन डिसाइड किया जाए तो एक्टर के परफॉर्मेंस में और भी निखार आ जाता है। आज से 365 दिन बाद लाना चाहिए था। शर्म नहीं आती?
इतने सब लोगों के सामने मेरी जगह जाई हुई। सबसे कहती रही कि अशोक अभी ही आता होगा, घंटों एक एक का मुंह देखती रही, और तुम हो के अब चले आ रहे हो। साइरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को हुआ था। देश का बंटवारा हुआ तो उनके पिता एहसान उल हक पाकिस्तान चले गए और उनकी माँ नसीम साइरा और बेटे सुल्तान को लेकर कुछ सालों के लिए लंदन चली गई, जहाँ स्कूल के वक्त से ही साइरा अपनी माँ के जैसे बड़ी हीरोइन बनने का ख्वाब देखने लगी और तभी से वो दिलीप कुमार को भी अपने दिल में बसा चुकी थी। 1960 में जब साइरा लंदन से इंडिया वापस आई तो नसीम बानू ने एस मुखर्जी से साइरा की मीटिंग करा दी, जो फिल्मिस्तान स्टूडियो के फाउंडर ओनर थे और उसी बैनर से फिल्में प्रोड्यूस किया करते थे। उनके छोटे भाई सुबोध मुखर्जी उन दिनों शमी कपूर को लेकर जंगली की प्लानिंग कर रहे थे और उन्हें एक टीनेज कश्मीरी लुक वाली हीरोइन की जरूरत थी। उस रोल के लिए साइरा से बेटर कोई नहीं हो सकती थी, इसीलिए सुबोध मुखर्जी ने भी साइरा के नाम पर मोहर लगा ली। इस तरह बिना किसी स्ट्रगल के साइरा के सपने टेक ऑफ के लिए तैयार थे। जंगली बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो साइरा भी ओवरनाइट स्टार बन गई। अपनी फर्स्ट फिल्म के लिए ही उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन मिला और अगले कुछ सालों में उनकी ब्लफ मास्टर, आई मिलन की बेला, अप्रैल फूल, शागिर्द, दीवाना, अमन, झुक गया आसमान, पड़ोसन जैसी सुपरहिट फिल्मों की झड़ी लग गई। तो क्यों ना इन्हीं कुछ फिल्मों में से साइरा बानो के कुछ सीन्स देख लिए जाएं। कितने दूर हो तुम और कितने पास, कब आओगे? भैया मैं सचमुच आ गया हूँ, आंखें खोलो ना। नहीं, तुम संजय की छाया हो, आंखें खोलते ही उछल हो जाओगे। पलकों में कैद ही रहो तो अच्छा है। देखो तो सही प्रिया, आजकल ही मैं काफी देर से हो तुम और दूर खड़े तमाशा देखते रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, और अब यहाँ तुमसे बहुत दूर। आज कितना अच्छा दिन है, मैं और डैडी तुम्हें याद ही कर रहे थे और तुम्हारे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। अगर तुम ना आते तो मैं उनको तुम्हारे पास दार्जिलिंग लेकर आने ही वाली थी। दार्जिलिंग? प्रिया दार्जिलिंग तो मुझसे हमेशा के लिए छूट गया। चलो अच्छा हुआ, मगर जो दार्जिलिंग में था वो यहाँ नहीं है प्रिया। यहाँ भी हो जाएगा? कैसे? डैडी तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देंगे, ठीक है क्या ऑफिस में? वहाँ? तो क्या हुआ, तुम्हें काम से मतलब है? उस नीच कमीने से क्या? नीच कमीना? हाँ बहुत कमीना है। सच कहती हूँ, अगर पिछले दिनों तुम यहाँ होते और हमारी हालत देखते तो गला घोट देते उसका। काश मैं उसका गला घोट सकता।
छोड़ो, तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते। आओ घर चले। नहीं प्रिया, अभी नहीं, मैं कुछ बन जाऊं फिर डैडी को मिलने जाऊंगा। और तब तक? तब तक हम मिला करेंगे। कहाँ? यही, हर रोज इसी वक्त आओगी ना? अजीब इत्तेफाक है। ठहरिए, लीजिए अपनी तकदीर। चलिए ना, आपकी ना मेरी, हमारी। पढ़ दीजिए। सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? आप हिरोशिमा। और आप? हिरोशिमा। अजीब इत्तेफाक। जी नहीं, इत्तेफाक एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, बार बार नहीं। तो आप इसे क्या कहें? जब अनजाने में दो अजनबी बार बार मिले तो मैं इसे इत्तेफाक नहीं बल्कि तकदीर का कोई खास मकसद कहूंगी। तो क्या तकदीर पर्ची में कुछ ऐसा ही लिखा था? आप भी तो जानते हैं। नहीं तो? नहीं तो क्या आपने पर्ची किसी से पढ़वाई नहीं? जी नहीं। क्यों? दरअसल मुझे ऐसी बातों में ज्यादा विश्वास नहीं। हो सकता है, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ कि पर्ची का लिखा आज तक गलत साबित नहीं हुआ। सच? तो फिर बताइए ना, क्या लिखा था उसमें? जब आपको विश्वास आ जाएगा तो बता दूंगा। चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें विश्वास आ गया। जिंदगी की बात खूबसूरत सच्चाइयों को जानने के लिए थोड़ी देर का विश्वास काफी नहीं होता डॉक्टर साहब। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। तशरीफ रखिए, आइए। आप क्या पियेंगे और कैसे पियेंगे? सोडे में, पानी में या नीट? माफ कीजिएगा, मैं शराब कभी अकेले नहीं पीता। कसूर तो आपका है, मेरा नहीं। आप ही अपने साथी को साथ नहीं लाए। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। मैं जानती थी कि आप अकेले ही आएंगे, इसीलिए दो प्लेटें लगाई हैं। अब दो बातें भी हो जाएं। लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन कह देता हूं। पैसों की बजाय अगर आपने हमारा दिमाग चुराया होता तो 50,000 की जगह 50 लाख रुपए भी आपके लिए कोई माने। अजी, हम तो चमत्कार को नमस्कार करते हैं। आप सर अपने दिमाग का नमूना दिखाइए, दाम हम लगाएंगे। अजी आप तो क्या, सारी दुनिया दाम लगाने को पागल हो जाएगी। ये देख रही हैं? इस शीशी की दो चुटकी पानी में पड़ते ही पानी पेट्रोल बन जाता है। नामुमकिन। नामुमकिन को मुमकिन करने के ही दाम लगते हैं मैडम। कल दुनिया की हर गाड़ी पेट्रोल के बजाय हमारे इस दवा मिले हुए पानी से चलेगी। कल किसने देखा है मिस्टर विजय? आज तो देखा है मैडम। दो चुटकी आपके सूट। रेडी? माय गॉड, इससे तो हम सारी दुनिया को लूट लेंगे। हम हैं, तुम नहीं। ऐसे हमारा शेयर रखने के लिए कितना एडवांस देना होगा मिस्टर विजय? जो आप लाई थी उसमें 2.5 और मिला दी। अजी 5 ले जाइए ना, हम अकल वालों की कदर करना जानते हैं। थैंक यू। आई विल जस्ट बी अ मोमेंट, ओके? तो मैं आपसे पूछ रहा था। हियर वी आर मिस्टर विजय। थैंक यू। ये लीजिए। मिस्टर विजय, बीच में भी असली है।
तो ये नए खाते हैं। अच्छा, इजाजत चाहता हूँ। खाना तो खाइए। अब तो रोज आप ही का खाएंगे मैडम। बाय बाय। Didn't she look cute and sweet? I can imagine उस दौर के नौजवानों की धड़कनें सायरा को देख कितनी तेज हो जाती होगी। वैसे तो सायरा बचपन से ही दिलीप कुमार को अपने दिल में बसाए बैठी थी। उनका कहना है कि जब वो 12 साल की थी तभी से उन्होंने तय कर लिया था कि वो अगर निकाह करेंगी तो सिर्फ दिलीप कुमार से ही करेंगी। लेकिन राजेंद्र कुमार के साथ एक फिल्म करते ही दोनों के बीच रोमांस जाग उठा। जबकि राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे, उनकी मदर नसीम बानू ने किस तरह सायरा को अपना फैसला बदलने पर मजबूर किया, बताऊंगी अगले एपिसोड में। तब तक मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, रखिए अपना ख्याल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। और जाते जाते आपके होश उड़ा कर जाऊंगी विद सायरा जीज, उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए। अपने आप दम घुटने लगा, छाया